वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अमरीका तालिबान मुआहिदा पूरे खित्ते की फतह है, पाकिस्तान के मौकफ को तस्लीम किया गया, अफगानिस्तान में कयाम अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। फवाद चौधरी ने कहा कि दोहा मुआहिदे पूरे खित्ते की फतह है। वजीर आजम शुरू से मुज़ाकरात के हामी थे। अमरीका तालिबान मुआहिदे में पाकिस्तान के मौकफ को तस्लीम किया गया। मुआहिदे की तकमील पर तालिबान और पोम्पियो ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान में कयाम अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। मुआहिदा बिल्कुल एक कोरा वर्क है जिस पर नई तारीख लिखी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान शुरू से इसी बात का हामी थे कि ये बात मुज़ाकरात से हल होगी। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंडोर्स हुआ है। आपने देखा कि जो दोहा में पोम्पियो साहब हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर ने कहा कि आइंदा साल से मुल्क भर के तालीमी इदारों में मैट्रिक तक एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा। 70 साल में हमने मदारिस के 26 लाख बच्चों को अपना नहीं समझा। माजी में तालीमी इदारों पर अरबों रुपए खर्च किए गए मगर मदारिस पर कोई तवज्जो ना दी गई। उन्होंने कहा कि चांद ने मेरे या रोयत हिलाल कमेटी के कहने पर रास्ता नहीं बदलना। वफाकी वजीर ने कहा कि नई दिल्ली में फसादात के दौरान बुजुर्ग खवातीन को कत्ल किया गया। भारत में तंग नजर शिद्दत पसंद हिंदू की हुकूमत है। दिल्ली में दो दिन में 50 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को जिंदा जलाया गया।